श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दुर्गढ़ी किला जो कि महाराष्ट्र के कल्याण में है, ये देखिए। अगर जवाहर के कुछ मेन अट्रैक्शंस की बात की जाए तो जवाहर में हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है जो कि मेन अट्रैक्शन है जवाहर हिल स्टेशन का, जो कि इस वीडियो में आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो एक छोटा सा जानकारी देता हूँ, अभी हम लोग कहाँ पे हैं। फिलहाल हम लोग हैं महाराष्ट्र के भिवंडी में, और अभी जो रूट हम लोग लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं भिवंडी वाड़ा देन जवाहर, ये रूट से हम लोग गुजरने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आज एक नए हिल स्टेशन की यात्रा शुरुआत हो रही है, चलिए। फिलहाल हम लोग बाहर निकल चुके हैं, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां के बाहर निकल चुके हैं। अब धीरे धीरे जो है गांव का जो है एरिया स्टार्ट हो रहा है। ये है भिवंडी वाड़ा रोड, इसे जवाहर रोड भी कहते हैं क्योंकि ये जवाहर हिल स्टेशन तरफ जाता है, इसके लिए इसको जवाहर रोड भी बोलते हैं। तो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जवाहर कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जो पड़ेगा आपको जवाहर के लिए, तो आपको आपके पास दो विकल्प यहाँ मौजूद है। पहला एक है डहाणू रोड रेलवे स्टेशन जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीजन में पड़ता है, और दूसरा है ये जिसका नाम है कसारा रेलवे स्टेशन, लेकिन वो सबर्बन में आता है, उसमें बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन आके हॉल्ट नहीं करती है। तो ऐसे में आप इगतपुरी भी पहुंच सकते हैं, अगर सेंट्रल रेलवे से आ रहे हैं आप तो आप इगतपुरी भी पहुंच सकते हैं। इगतपुरी से फिर आप वाया वहां से आप जवाहर पहुंच सकते हैं वाया बस, आप बस से जवाहर पहुंच सकते हैं, बस ही बहुत चलती है जाने के लिए। चलिए हाईवे में चल रहे हैं तो एक टाइम लैप्स करते हैं। फिलहाल हम लोग वाड़ा पहुंच चुके हैं जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहां से जवाहर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। छोटे जंगलों के बीच से होते हुए हम गुजर रहे हैं। और ये छोटा मोटा घाट सेक्शन है, कोई खास बड़ा नहीं है। शांति और सुकून का अलग ही अनुभव होता है जब आप जंगल और पहाड़ के बीच होके गुजरते हैं। ओ बाबा,
देखिए बहुत जगह जो है किसानों की धान की कटाई जो है हो चुकी है। ये देखिए मैक्सिमम जगह जो है किसानों ने धान काट दिया। देखिए जवार का जो मेन घाट सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये डायरेक्ट जाएगा हम लोग को जवार के हिल स्टेशन पे लेकर के। तो ये है जवार का जो मेन अट्रैक्शन है, ये है हनुमान जी का मंदिर, जिसके लिए पूरा जवार जाना जाता है। इसी मंदिर के नाम के लिए आप भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी का, हनुमान जी का मंदिर जवार में इसके लिए जाना जाता है। और ठीक हनुमान जी के मंदिर के इधर ही उधर जो है उस तरफ हनुमान पॉइंट है। तो सबसे पहले चलिए हनुमान जी के दर्शन करते हैं और इसके बाद हनुमान पॉइंट पे चलते हैं। ये रहा हनुमान पॉइंट, हनुमान जी के मंदिर के जस्ट सामने बना हुआ है, इसके लिए इसको हनुमान पॉइंट भी कहा जाता है। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है हनुमान पॉइंट। ये देखिए प्रॉपर यहाँ से नजारा दिखता है, वेस्टर्न घाट्स का पूरा आपको यहाँ से अल्टीमेट नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये देखिए क्या अद्भुत नजारा है। और ठीक उधर से आपको दिख पा रहा होगा वो रहा जय विलास पैलेस, जवाहर का फोर्ट आपको वहां से दिख रहा होगा, जो कि मेन अट्रैक्शन है जवाहर का। ये भी बहुत मतलब कि अट्रैक्शन में गिना जाता है, हाँ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ जवाहर। ये रहा जवाहर का सनसेट पॉइंट, ये हम लोग को हनुमान पॉइंट से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ा, पता नहीं आपको दिख भी पा रहा है या नहीं। ओ गॉड, कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया, रास्ते में आते आते ही लेट हो गया हम लोग को, इसी कारण जो है अंधेरा छा गया। आपको शाम शाम का नजारा दिख रहा होगा, ये देखिए कुछ ऐसा है नजारा। ये रहा सनसेट पॉइंट, ये देखिए। हम लोग आए तो थे सनसेट पॉइंट पे, लेकिन देखिए मून का कितना अच्छा नजारा मिल रहा है यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल टू सी, काफी अच्छा नजारा है। ठीक है,